हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही आसान सा बुनाई का डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में, कैप में, कहीं भी अप्लाई करिएगा फ्रेंड्स, बनके बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी पैटर्न को बनाएंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, जो पहली सिलाई मैंने यहाँ पर बनाई है, इसी रो को मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ये हमारा रिवर्सिबल पैटर्न है, दोनों तरफ से एक जैसा दिखाई देता है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। सिर्फ एक ही सिलाई का डिज़ाइन है। जो सिलाई हम यहाँ पे बुनेंगे, सेम इसी तरीके से हमने यहाँ भी बुनना है। सबसे पहले हम फंदों का हिसाब लगा लेते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल प्लस 3 करके फंदे लेने होंगे। तो यहाँ नेटल पे मेरे 31 फंदे हैं। सबसे पहले आप 4 फंदे ले लीजिएगा, फिर से 4, फिर से 4, फिर से 4 करते करते, और लास्ट में 3 फंदे हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ सिलाई पे हमारे 31 फंदे हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है। स्टार्टिंग और एंड बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आज के फंदों को पल वाइज स्लिप करेंगे। अब यहाँ से डिजाइन के फंदे हमारे शुरू हो रहे हैं। 4 फंदों में हम डिजाइन बनाएंगे। सबसे पहले 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, धागा पीछे करेंगे और चौथे फंदे को पल वाइज स्लिप कर लेंगे। तो एच के फंदे को छोड़ के 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर एक फंदे को उल्टे फंदे की तरह से उतार लेंगे। एच के फंदे को छोड़ के यही 4 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे और फिर से देखेगा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर से देखिएगा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और चौथे फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और चौथे फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और चौथे फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे और 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। अब लास्ट में हमारे 2 फंदे बचे हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड, जैसे हमने पैटर्न को यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पे जैसे हमने एंड किया है, सेम इसी तरीके से हमने इधर भी करना है। यहाँ पे डिजाइन की फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारे पैटर्न की बैक साइड है, तो इस रो को भी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फंदे को पल वाइज स्लिप करेंगे। अब यहाँ से डिजाइन के फंदे हमारे शुरू हो रहे हैं। 4 फंदों में हम डिजाइन बनाएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड, ये जो 3 फंदे हैं, एक फंदा हमारा उल्टा है, इस फंदे को हमने स्लिप किया था, फिर इस फंदे को हमने उल्टा बुना है। अब इधर हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, ये हमारा दूसरा फंदा वो है जो इधर हमने स्लिप किया था। देखिएगा, इस फंदे को हमने स्लिप किया था ना, तो इस फंदे को भी इधर हम उल्टा बुनेंगे, 2, 3। अब धागा पीछे करेंगे, जो इधर हमने 3 फंदे उल्टे बुने थे, तो ये हमारा बीच वाला फंदा है, इस फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। एच के फंदे को छोड़ के 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर चौथे फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। एच के फंदे को छोड़ के यही 4 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे और फिर से देखेगा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और चौथे फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और चौथे फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और चौथे फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और चौथे फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। लास्ट में हमारे 2 फंदे बचे हैं।
धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन देंगे। तो यहाँ पे बैक साइड की रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिएगा फ्रेंड्स कितना आसान सा पैटर्न है, सिर्फ एक ही लाइन का डिजाइन है। इसी एक लाइन को हमने बार बार रिपीट करना है, सीधी साइड में भी और उल्टी साइड में भी। तो फ्रेंड्स एक बार जरूर ट्राई करिएगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।